तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्नैपचैट की आईडी कैसे बनाते हैं। और अगर आप भी स्नैपचैट में अपनी न्यू आईडी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्नैपचैट की आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से स्नैपचैट को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप ओपन करोगे आपके पास इस तरह का एक नया पेज आ जाएगा। अब आपको वेट करना है, इसके बाद इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब स्नैपचैट की आईडी बनाने के लिए आपको साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अलाउ करना है, इसके बाद फिर से अलाउ। इसके बाद यहाँ पे बोलेगा व्हाट्स यूर नेम, आप किस नाम से स्नैपचैट की आईडी बनाना चाहते हो। जैसे कि हम क्या करेंगे, अपने नाम से बनाएंगे। आप जो नाम से बनाना चाहते हो वो नाम से आप बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, अपने नाम से बनाएंगे। इसके बाद नाम डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बोलेगा बर्थडे डेट डालने के लिए, जो भी आपका बर्थडे डेट होगा वो यहाँ पे डाल देना। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मंथ सिलेक्ट करना है, इसके बाद जो भी आपका बर्थडे डेट का डे होगा वो डालना है, और यहाँ पे आपको डालना है ईयर, ठीक है। तो हमने डाल दिया, अब कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपका स्नैपचैट का यूजर नेम आ जाएगा, तो ये यूजर नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको ये पसंद नहीं तो इसको आप यहाँ पे चेंज पर क्लिक करके अपना यूजर नेम यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यानी कि अच्छा और प्रोफेशनल बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये यूजर नेम हमको पसंद नहीं, ठीक है, मान लीजिए। तो यहाँ पे हम कुछ नंबर्स को हटा देते हैं और यहाँ पे डाल देंगे कुछ अलग नाम, जैसे कि 143 इस तरीके से, ठीक है, और एच। अब चेक होगा ये अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे सेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड रखना है स्नैपचैट का। जो भी पासवर्ड आप रखोगे वो यहाँ पे आपको नजर आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, वो नजर आएगा। और आपको कम से कम 8 अंक का पासवर्ड रखना है, यानी कि 8 अंक तक आप रखना, ताकि पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग बने, ठीक है। तो चलिए हम अपना पासवर्ड रख लेंगे। तो अभी हमने अपना पासवर्ड रख लिया, अब हम करेंगे कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करने के बाद प्रोसेस होगा और इसके बाद इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है कि किस मोबाइल नंबर से आप यहाँ पे स्नैपचैट की आईडी बनाना चाहते हो। अब यहाँ पे जो नंबर होगा वो डाल देना, उसके बाद फिनिश करना। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। लेकिन अब काफी सारे हमारे फ्रेंड्स कमेंट कर रहे थे कि हमने मोबाइल नंबर से पहले बना चुके हैं या फिर मोबाइल नंबर से नहीं बनाना चाहते, तो नीचे ईमेल का ऑप्शन है, आप ईमेल आईडी से भी बना सकते हो। ईमेल वाले ऑप्शन पर टच करना, जो भी ईमेल आईडी से बनाना है वो ईमेल आईडी डाल देना और कंटिन्यू करना। दोनों प्रोसेस सेम है। इसके बाद यहाँ पे लोडिंग होगा, इसके बाद इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम स्किप कर देंगे, इसके बाद गो बैक करेंगे या फिर यहाँ पे स्किप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद ओके कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो या फिर इसमें से कोई सिलेक्ट कर लीजिए, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देना है, इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस होगा और यहाँ पे है लग जाएगा, ठीक है। तो हम वेट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे डन पर क्लिक कर देना, इसके बाद प्रोसेस होगा और यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे टर्न ऑन करना चाहते हो तो कर लीजिए, अलाउ कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो हम यहाँ से बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद यहाँ पे कोने में टच करेंगे और यहाँ पे हमारी स्नैपचैट की आईडी बनकर तैयार हो चुकी है, आप खुद ही देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप स्नैपचैट की आईडी बना सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि स्नैपचैट की आईडी कैसे बनाते हैं। हम मिलेंगे दोस्तों नई टेक्नोलॉजी की वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब।